चलिए अब ये क्वेश्चन जो हैं दीज आर रिलेटेड टू ना कार्बीन एंड नाइट्रीन, मोस्टली इसमें कार्बीन ही रहने वाला है। क्या करना है आपको, ये आठ रिएक्शंस बनानी है। इसमें क्या है, यू हैव टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बाय राइटिंग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। इन सारे रिएक्शंस में आपको कौन सी वाली चीज़ करनी है, आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है क्या करके, रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख कर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला जो कौन सा है, इसमें 1, 2, 3 एंड 4, ये जो चार रिएक्शन हैं शुरू की, इनमें ना रिएक्टेंट सेम है। क्या लिया है इसमें अपने, दैट इज साइक्लोपेंटा डाइन, ठीक है। साइक्लोपेंटा डाइन पर फर्स्ट वाले केस में रिएक्शन क्लोरोफॉर्म अल्कली विथ हीटिंग, सेकेंड वाले केस में इट इज CHFCl Br विथ KOH एंड हीटिंग, थर्ड वाले केस में CHCl2Br विथ KOH एंड हीटिंग, फोर्थ वाले में CHBr2Cl KOH विथ हीटिंग, है ना। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, मोर और लेस सेम टाइप का है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना रहेगा ना इन चारों क्वेश्चंस में, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो उसमें हमको क्या दिया है, दिस इज व्हाट दैट साइक्लोहेक्सीन, इसके ऊपर क्या किया आपने को, CCl3COONa विथ हीटिंग, है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना, अपने जो नॉर्मल पढ़ के रखा हुआ है उससे थोड़ा सा अलग है, बट वो जो अलग चीज़ है वो भी अपन ने पढ़कर रखी हुई है कहीं और, ठीक है। तो आपको मिक्स करना है चीज़ों को थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सिक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, यहाँ पर दिस कंपाउंड कंटेन्स OH, इसके ऊपर अपने अपने क्या किया, हाइड्रोजन एच पॉजिटिव के साथ हीटिंग, है ना। एसिडिक मीडियम में इसका हीटिंग किया है हमने, तो एसिडिक मीडियम में हीटिंग से क्या बन रहा है, दिस इज कंपाउंड ए, और उस कंपाउंड ए के ऊपर फिर अपन ने क्या किया, इट इज CHFCl Br, हमने साथ में इट इज KOH डालकर इसको हीट किया है, तो इससे बन जाएगा दैट इज कंपाउंड बी। समझ आ गई बात, ये है ना। फिर सेवेंथ वाला क्वेश्चन जो है, इसमें ये आपको हिंट दे रहा हूँ मैं, डायजो मीथेन टाइप से लिंक करना है इसको, है ना। इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर पड़ोस वाले कार्बन पर N2 जोड़ा है ना, तो यू हैव टू कनेक्ट इट टू व्हाट दैट डायजो मीथेन, है ना। इसका MeNH2 डालकर फिर हीटिंग किया है ना, दैट इज विथ मिथाइल अमीन, है ना। इसके बाद एट्थ वाले क्वेश्चन में कौन सी चीज के, इट इज PHC डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कार्बन का आइसोटोप है ये, ठीक है। इस पर डाले हमने किसको, दैट इज CHN2, और इसको हमने हीट किया है। समझ आ गई बात, ये है ना। तो इसकी हीटिंग से क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बनाना है, क्लियर है ये, है ना। तो सारे रिएक्शंस में मैकेनिज्म से आपको प्रोडक्ट तक पहुंचना रहेगा, है ना। तो आप सोच के रखिए, फिर इनके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।